मणिपुर हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को पुनर्वास सुनिश्चित करने, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी वाली एक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जज पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर याचिकाओं को 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा, इसमें पुनर्वास शिविरों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और हथियारों की बरामदगी जैसे विवरण होने चाहिए। एक संक्षिप्त सुनवाई में शीर्ष विधि अधिकारी ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि 24 घंटे से घटा करके 5 घंटे कर दी गई है। सॉलिसिटर जनरल मेहता के मुताबिक राज्य में पुलिस, इंडियन रिजर्व बटालियन और CAPF की 114 कंपनियां भी तैनात हैं। उन्होंने कहा कि कुकी समूहों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉल्विन गुंजा वेल्ज को चाहे को मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दें। गुंजा वेल्ज ने तर्क दिया कि उग्रवादी एक समाचार कार्यक्रम में आए और कहा कि वे कुकी समूहों का सफाया कर देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुकी समूहों के खिलाफ हिंसा राज्य की ओर से प्रायोजित थी। सुप्रीम कोर्ट के पास मणिपुर की स्थिति को लेकर के कई याचिकाएं हैं। इनमें सत्तारूढ़ बीजेपी के एक विधायक की ओर से दायर याचिका भी शामिल है, जिसमें मेईती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। एक दूसरी याचिका में पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा की जांच SIT से कराने की मांग की गई है। ये याचिका एक आदिवासी गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर की गई है। गैर सरकारी संगठनों में से एक मणिपुर ट्राइबल फोरम ने राज्य में अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सेना सुरक्षा और उन पर हमला करने वाले सांप्रदायिक समूहों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते शीर्ष अदालत का रुख किया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने 20 जून को याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये कानून और व्यवस्था का मुद्दा है जिसे प्रशासन को देखना चाहिए। NGO की ओर से पेश गुंजा वेल्ज ने कहा कि प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद राज्य में जाति हिंसा में 70 आदिवासी मारे गए। सॉलिसिटर जनरल ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियां हिंसा रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक मेईती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राज्य में मेईती समुदाय कुकी समुदायों के बीच झड़पों में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पहली बार हिंसा 3 मई को तब भड़की जब मेईती समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में राज्य में पहाड़ी जिलों में जनजाति एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। मणिपुर की आबादी में मेईती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53% है। वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजाति नगा और कुकी आबादी का हिस्सा 40% है और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट के 27 मार्च को दिए गए आदेश में राज्य सरकार को बहुसंख्यक समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर 4 सप्ताह के भीतर केंद्र के पास सिफारिश भेजने को कहा गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास पेश की जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आता है। फिलहाल और कई सारी याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।